मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भी एक बार आए, साइट विजिट करें, यहाँ पे आके लोकेशन देखें, बहुत अच्छी लोकेशन है। कृपया कोई भी जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें, इससे होने वाले किसी भी तरह के फायदे या नुकसान की हमारे चैनल एवं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज यहाँ पे आए हैं INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड में प्लॉट्स देखने के लिए, तो आप हमें थोड़ा सा या हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आप कैसे आए हैं और कैसे आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है। मैंने YouTube पे एक दिल्ली NCR प्रॉपर्टी का YouTube चैनल देखा था, जिसके अंदर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे ये प्लॉट वगैरह कटिंग हो रही है, प्लॉट सेल हो रहे हैं सोना के मास्टर प्लान में। तो मैं ये देखने आया था यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें लीगली दिखी। फिज़िकली जब मैंने विज़िट करा, सारे डॉक्यूमेंट मुझे ओरिजिनल दिखे, और जो उसका रजिस्ट्री वगैरह थी कंपनी के नाम पे थी, वो सबसे अच्छी बात थी जो मुझे ओके लगी। मैंने जब उसमें देखा, मुझे साइट बिल्कुल पसंद आ गई, तो मैंने उसमें 108 गज का प्लॉट बुक कर लिया। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात सर, आप जो आए हैं आज साइट विजिट करने यहाँ पे, आप अपनी गाड़ी से आए हैं या कंपनी ने आपके पास गाड़ी भेजी, और अगर कंपनी ने गाड़ी भेजी है तो क्या कंपनी ने कोई उसका चार्ज लिया है, इसके बारे में भी प्लीज़ आप थोड़ा बताएंगे। नहीं नहीं जी, मैं जब मेरे को घर से ही गाड़ी ने पिक किया है, कंपनी की गाड़ी ने पिक किया है, और मुझे सारा कुछ दिखाया उन्होंने, उसके बाद मुझे घर दोबारा वो ड्रॉप करेंगे, और जैसे भी है जो भी है, उसका कोई चार्जेस उन्होंने नहीं लिया। जो भी चीज़ थी वो सारी लीगली थी, और उन्होंने जो चार्जेस मुझे बताए थे प्लॉट के, वही चार्जेस मुझे यहाँ सेम मिले। बिल्कुल। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने वीडियोस देखी हैं और यहाँ आके आपने ग्राउंड पे देखा है, उसमें और उसमें कोई डिफरेंस आपको लगा है या? नहीं नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जो मुझे बताया गया था सेम एज इट इज़ मुझे साइड वगैरह सब सेम दी। हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भी एक बार आएँ, साइट विज़िट करें, यहाँ पे आके लोकेशन देखें, बहुत अच्छी लोकेशन है, इस लोकेशन में आप अपना मकान बुक करवाएं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप अपना मकान अच्छे रेट पे बुक करके और आगे अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। चलिए, बहुत 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 अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ यहाँ पे साइट विज़िट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट साइट विज़िट है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट है, सबसे हाई रिटर्न सबको आपको अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो प्रॉपर्टी ही दे सकती है। आप चाहे बैंक में रख लें पैसा, या कहीं FD कर लें, या फिर आप किसी भी स्कीम में लगा लें, प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपको कोई रिटर्न्स नहीं दे सकता। बाकी यहाँ का अगर मैं संडे का आपको व्यू दिखाऊँ, यहाँ सुबह से शाम तक एवरी संडे आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहेंगी, मतलब पूरा दिन 250 से 300 गाड़ियाँ आती हैं, और एवरी मंथ यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। बल्कि मैं अगर बात करूँ एवरी मंथ क्या, इस महीने में तो हमारे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं बहुत तेज़ी से, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, आगे अभी आपको साइट विज़िट कराने के लिए, एक बार आपको पूरा साइट का व्यू दिखाने के लिए कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, आपके साथ में है साहिल साहब। अभी ये आपको साइट विज़िट का पूरा स्टेटस, क्या क्या यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह आसपास का, वो सारी डिटेल आपको बता रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं कुछ नए अफोर्डेबल प्लॉट्स और सोसाइटी के स्कीम लेकर के। आज की वीडियो में जिस हम सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं, वो सोहना रोड पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप और सोहना रोड पर जो KMP एक्सप्रेसवे है उसके टच में होने वाली है। ये सोसाइटीज़ कुंडली मानेसर पलवल हाईवे या दिल्ली का थर्ड रिंग रोड जो कहलाता है, उससे 200 मीटर की दूरी पर, और जो नेशनल हाईवे 248A गुड़गांव से जो राजस्थान अलवर वाला हाईवे है उस पर, उससे मुश्किल से 50 या 100 मीटर की दूरी पर होने वाली है। और ये सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सोहना, जिसे IMT सोहना भी कहा जाता है, जिसमें 2500 मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्रपोज्ड है, उससे मात्र 2 या 3 मिनट की दूरी पर है। इन सोसाइटीज़ में रेसिडेंशियल प्लॉट और कॉमर्शियल प्लॉट, सभी तरह के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसका रेट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और मुनासिब होने वाला है। इसमें 6200 रुपये गज, 6200 रुपये गज के हिसाब से प्लॉट स्टार्ट है। इसमें एक साइड ओपन प्लॉट, 2 साइड ओपन प्लॉट, सभी तरह के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोसाइटी बिल्कुल बस्ती के टच में है, रेसिडेंशियल बस्ती, अच्छी खासी बस्ती के टच में है, और इस पे आप आज से ही घर बना करके रह सकते हैं, और आने वाला फ्यूचर इस सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के बिल्कुल 2 से 3 मिनट की दूरी पर है, 200-300 मीटर की दूरी पर यह सोसाइटी है, जिसमें 2500 मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्रपोज
प्रपोज्ड हैं, उस इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की हम बात कर रहे हैं, उस इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप केएमपी एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 248A से मुश्किल से ये 100-200 मीटर की दूरी पर सोसाइटी हैं। इन सोसाइटीज़ में सभी तरह के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो बहुत तेज़ी से सेल आउट हो रहे हैं। इन प्लॉट्स को जितना जल्दी बुक करेंगे उतना ही अच्छा आप प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 20 फीट 22 फीट 25 फीट के इसमें रोड्स होने वाले हैं। सबसे छोटा प्लॉट साइज़ 50 गज होने वाला है। 100 गज, 150 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज सभी साइज़ के प्लॉट उपलब्ध हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लॉट्स की बुकिंग कैसे हो रही है, किस तरह से भीड़ लगी हुई है। ये सब लोग बुकिंग करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो भीड़ यहाँ पे हो रही है, इस भीड़ का वजह और इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ पे पूरी दिल्ली एनसीआर में सबसे बेहतर और वर्ल्ड क्लास लोकेशन ये है। यहाँ का पूरा मास्टर प्लान है, एमएनसीज आ रही हैं, 2500 एमएनसीज आ रही हैं, उसके ऊपर 3-4 हाईवेज यहाँ पे हैं, केएमपी हाईवे है, नेशनल हाईवे 248A यहाँ पे लगता है, उसके अलावा डीएमआईसी यहाँ पे आ रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यहाँ पे आ रहा है। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, डीएमआईसी क्या है, केएमपी हाईवे क्या है और नेशनल हाईवे नेशनल 248A क्या है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने चैनल में सारी वीडियोज़ वगैरह बनाकर डाली हुई हैं। आप प्लीज़ जाएँ हमारे चैनल में और सारी वीडियोज़ को आप एक बार अच्छे से देखें। बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो काम है वो सारा बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये गाड़ियाँ भी आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर से, गाड़ियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं अभी, ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये जो लाइन लगी हुई है, ये सब लोग जो हैं ये सारे ड्राइवर्स हैं जो दिल्ली एनसीआर से आप लोगों को पिक करके लेके आते हैं, साइट विज़िट कराते हैं और फिर आपको वापस साइट पर छोड़ कर आते हैं। ये आप लाइन देखिए, लोग वो ड्राइवर हैं, वो गाड़ियां हैं जो यहां पे आती हैं, ये लोग सब यहां पे साइट पे इन ड्राइवरों का एंट्री होती है गाड़ियों की। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों की भीड़ है, ड्राइवर इतने सारे जब ड्राइवर हैं और ज़मीन का यहाँ पे ये समझिए कि प्रोजेक्ट हमारा, जिस प्रोजेक्ट की हम आज बात कर रहे होते हैं वो आप अगर जब तब तब की वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आप 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में प्लॉट अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि हर महीने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नए नए आते जा रहे हैं, हर महीने प्रोजेक्ट, किसी महीने तो दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट हमारे आ जाते हैं। और प्रोजेक्ट भी सर ऐसा नहीं है कि 2 एकड़ 3 एकड़ के होते हैं, 5 एकड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं, 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़, मतलब ये सारे जो प्लॉट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे मैक्सिमम बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट 2.5 से 3 महीने में सब फिनिश हो जाता है। और ये सब आप लोगों का प्यार है और कंपनी की लीगलिटी है। मैं आपसे हर बार यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्लीज़ लीगलिटी डॉक्यूमेंट सारे चेक करें। यहाँ पर भी एग्रीमेंट पे कोई ज़मीन नहीं बिकती, यहाँ पर जो ज़मीन बिक रही है वो सब कंपनी पहले कैश में ख़रीदती है फिर आपको किस्तों में देती है। सारी रजिस्ट्री कंपनी के पास रहती है, आपको कंपनी से डायरेक्ट रजिस्ट्री होती है, किसी भी किसान से आपको रजिस्ट्री नहीं होती, किसानों से रजिस्ट्री कंपनी ले लेती है, यानी कैश में ख़रीद के आपको किस्तों में प्लॉट दे रही है। बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।